महिंद्रा और टाटा हमारे देश के दो ऐसे आइकन हैं जिन पे पूरा भारत गर्व करता है। भारत देश की आजादी से पहले एस्टैब्लिश हुई ये दोनों कंपनियां तब से लेकर आज तक भारत के इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान दे रही हैं, क्योंकि महिंद्रा और टाटा ने न सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर में अपनी उपलब्धि हासिल की है, बल्कि इसके अलावा भी जहां महिंद्रा आईटी सर्विसेज, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, एग्री बिजनेस, डिफेंस, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट और एजुकेशन सहित 150 सेक्टर में अपनी भागीदारी निभा रहा है, वहीं टाटा ने भी टाटा मोटर्स के अलावा स्टील, केमिकल्स, आईटी सर्विसेज, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, ज्वेलरी, होम अप्लायंसेस, सीमेंट, एजुकेशन एटसेट्रा सेक्टर में अपनी पहुंच बना चुका है। हालांकि बाकी सेक्टर में हो ना हो, लेकिन ऑटोमोटिव सेक्टर में इन दोनों कंपनियों के बीच में काफी लंबे टाइम से रेस चल रही है। दोनों कंपनियों ने टाइम टू टाइम बेस्ट प्रोडक्ट को भारत के मार्केट के बेस पर लॉन्च किया है, फिर चाहे वो टाटा की कार हो या फिर महिंद्रा की एसयूवी। दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट इतने दमदार हैं कि लोगों के लिए दोनों में से बेस्ट चॉइस करना काफी मुश्किल है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा और टाटा मोटर्स कंपनी के कॉम्पिटिशन पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, इससे पहले हम महिंद्रा और टाटा मोटर्स के बीच कंपेयर करें, इनकी हिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत 2 अक्टूबर को साल 1945 में M&M यानी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से दो भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ की थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद मलिक मोहम्मद पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद से कंपनी का नाम M&M ही रखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। कुछ सालों बाद इन महिंद्रा भाइयों ने एक विदेश के जीप के पैटर्न में भारत में भी जीप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, और जिससे वो स्टार्टिंग से ही भारतीय लोगों की पसंद बन गए। आज महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, बलेरो, थार जैसी कई गाड़ियों के अलावा ट्रक, बस, ट्रैक्टर और ई रिक्शा का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आपको बता दें कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कमान जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथ में है, और अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो बीते फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 में कंपनी ने 4,835 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और कंपनी की टोटल नेटवर्थ 200 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स की। हालांकि टाटा ग्रुप की स्थापना तो साल 1868 में हुई थी, लेकिन एक लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी के रूप में टाटा मोटर्स साल 1945 में एस्टैब्लिश हुई, जब महिंद्रा स्टार्ट हुई थी। कुछ सालों तक टाटा मोटर्स ने तो यही किया, लेकिन फिर आजादी के बाद देश में बढ़ती ऑटोमोटिव डिमांड को देखते हुए टाटा मोटर्स ने भी साल 1954 में अपनी पहली कमर्शियल कार को लॉन्च किया। फिर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल को साल 1988 में लॉन्च किया, जो काफी हिट रही। लेकिन टाटा मोटर्स को एक्चुअली सक्सेस तब मिली जब साल 1988 में कंप्लीट स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग कार टाटा इंडिका को मार्केट में उतारा गया। इसके बाद टाटा इंडिको, टाटा सफारी और टाटा सुमो जैसी कई गाड़ियों ने लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट किया। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो बीते फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 में कंपनी ने 23,535 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो कि साल 2021-22 के कंपैरिजन में 24% ज्यादा था। दोस्तों, अगर आप महिंद्रा और टाटा के पिछले एक साल के प्रॉफिट को देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेट सेल अमाउंट हो या फिर नेट सेल प्रोडक्ट, दोनों में ही टाटा मोटर्स अभी महिंद्रा से कहीं गुना आगे चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के सेल्स फिगर्स को देखें तो टाटा मोटर्स ने जहां 3,45,967 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है, वहीं महिंद्रा के सेल्स का आंकड़ा 1,21,268.6 करोड़ रुपए था, जो कि टाटा के मार्केट कैप से काफी कम है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा के बुलेरो के साथ ही उसकी कई गाड़ियां शहरी एरिया के अलावा ग्रामीण एरिया के कच्चे रास्तों और पहाड़ी एरिया में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जबकि टाटा की कारें शहरी एरिया में ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इस तरह से परफॉर्मेंस की कैटेगरी में महिंद्रा टाटा मोटर्स से आगे है। दोस्तों, यदि टाटा मोटर्स और महिंद्रा के शेयर की कीमतों को देखें तो महिंद्रा यहां 1567.4 रुपए पर शेयर के हाई रेट पर कारोबार कर रहा है, जो कि टाटा के 600 रुपए के शेयर वैल्यू से 2.5 गुना अधिक है। हालांकि फिर भी टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन महिंद्रा से बड़ा है, और कई मामलों में दोनों कंपनियां एक दूसरे से कंपीट कर रही हैं। हालांकि वो काफी समय से काम कर रहे हैं, इसीलिए दोनों कंपनियों का नैतिक रिकॉर्ड सराहनीय है। आज भारत में
टाटा मोटर्स या महिंद्रा के वाहनों के बिना सड़क मिलना बहुत ही रेयर है। ये दोनों कंपनीज भारत के पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के काफी बड़े एरिया को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आपकी राय में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में कौन है बेस्ट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें।